इस वीडियो में कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जो आपको मेंटली अनस्टेबल कर सकते हैं, तो आप अपने रिस्क पे देखिएगा। Can you see me? एक 17 साल की लड़की जिसका नाम होता है एनालिसा माइकल, अपनी जिंदगी बहुत खुशी से जी रही थी। कॉलेज जाती थी, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करती थी। एक दिन एनालिसा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसको खून की उल्टियाँ होती है और चक्कर आने लगते हैं। ये चीज़ देखते हुए उसके फैमिली वाले उसको एक नॉर्मल मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं और बोलते हैं कि उसको खा लो, तुम ठीक हो जाओ। पर दिन ब दिन उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। अब मानो ऐसा आ गया था कि एनालिसा बेड से नीचे पैर नहीं रख सकती थी, वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। एनालिसा अपनी फैमिली से अब एक रेगुलर कंप्लेन कर रही थी कि जब मैं सोती हूँ तो मुझे अपने कमरे में कोई अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है, मानो वो मेरे से कहता है कि मैं तुझे लेने आया हूँ तो मेरे साथ चल। ये चीज़ देखने के बाद उसके फैमिली वाले उससे बोलते हैं तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। एनालिसा इसके बाद अपने बेडरूम में सो जाती है। वो बहुत तेज़ चिल्लाती है, उसके फैमिली वाले उसके रूम में जाते हैं और एनालिसा बोलती है कि मेरे को अभी बहुत वियर्ड आवाज़ें सुनाई दे रही थी और मेरे बेड पर कोई बैठा हुआ था जो मुझसे बार बार ये कह रहा था कि मैं तुझे लेने आया हूँ। ये चीज़ देखने के बाद एनालिसा के पेरेंट्स उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं और वहाँ पर साइकेट्रिस्ट बताता है कि एनालिसा को टेम्पोरल लोब एलोप्सिया, एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को अजीब अजीब से दौरे पड़ते हैं और वो अनकंट्रोल हो जाता है। अलग अलग पर्सनैलिटी के ट्रेड्स उसमें दिखाई देते हैं। वो बार बार कंप्लेन करती थी कि हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं और वो मेरे को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही हैं। पर उसके फैमिली वाले उसकी बातें इग्नोर करने लगे और उसको सिर्फ मेडिसिंस देने लगे, ये सोच के कि उसको सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर है। एक टाइम पे एनालिसा की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, वह लाइफ में थी, उसका वेट 68 केजीज था और उसका वेट आज के टाइम पे 23 केजीज ही रह गया था। ये थी उसकी फ़ोटो जब वो नॉर्मल लाइफ में थी। ये फोटो है जब उसको किसी शैतानी ताकत ने अपने कब्जे में कर लिया था। उसके पेरेंट्स ने एक वियर्ड चीज़ नोटिस करना स्टार्ट करी। एनालिसा ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसके कमरे में अगर कोई भी इंसेक्ट आता तो उसको वो मार के खा लेती है। ये चीज़ दिखाता है कि एनालिसा बिल्कुल भी एक नॉर्मल स्टेज में नहीं है, शायद इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। ये चीज़ देखने के बाद उसके पेरेंट्स चर्च में जाते हैं और वहाँ से एक प्रीस्ट को अपने साथ लेके आते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारी बेटी ऐसे ऐसी चीज़ें कर रही है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। प्रीस घर में घुसता है। एनालिसा सेकंड फ्लोर पे अपने रूम में थी। जैसे ही प्रीस ने घर में कदम रखा वो बहुत तेज से चलाने लगे और ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था कि सेकंड फ्लोर से उसको पता चल जाए कि नीचे गेट पर प्रीस आए हुए हैं। तो उसके फैमिली वाले तब यहाँ पर समझ गए थे कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर नहीं बल्कि कुछ और भी है। प्रीस उसके रूम में जाते हैं और उससे बात करने का ट्राई करते हैं। तभी एनालिसा एक वास उठाती है, प्रीस की तरफ फेंक देती है, अपने खुद के हाथ पे वो बाइट करती है और वो इतनी तेज़ बाइट करती है कि उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। जो ब्लड उसके हाथ से निकल के नीचे फर्श पे गिरा था वो बैठ के उस ब्लड को लिक करने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है अलग अलग लैंग्वेजेस में। अब प्रीस ये चीज़ देखने के बाद उसके फैमिली वालों को बोलते हैं कि आपकी बेटी किसी मेंटल डिसऑर्डर से नहीं बल्कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से डील कर रही है। ये चीज़ देखने के बाद फैमिली वाले शॉक हो जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि कैसे भी हमारी बेटी को प्लीज़ आप बचा लीजिए। एनालिसा की कंडीशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। प्रीस्ट अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को बुलाते हैं जो एक्सॉर्सिज्म प्रैक्टिस करते थे और कहा ही जाता है कि एक्सॉर्सिज्म एक लौता ऐसा तरीका है जिससे हम नेगेटिव एनर्जी से पीछे छुड़ा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल तरीका होता है क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज इतनी आसानी से वो शरीर नहीं छोड़ती है, वो उस इंसान को बहुत ज़्यादा पेन देती है। और कहा यह जाता है कि एनालिसा ने 67 टाइम एक्सॉर्सिज्म सहा था, तो वो किस पेन से गुजरी थी आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं। तभी उसका एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट किया जाता है। और ये पता चलता है कि एनालिसा के अंदर करीब एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं हैं
जो उसको परेशान कर रही है, जो उसको मजबूर कर रही है ये सब चीज़ें करने पर। थोड़ा सा असर जो नेगेटिव एनर्जीज का था वो कम हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो नेगेटिव एनर्जीज उसका शरीर छोड़कर चली गई थी। एक दिन एनालिसा इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने रूम लॉक करके अपनी फैमिली से चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि अब मैं और नहीं सह सकती और मुझे नहीं जीना। ये चीज़ कहने के बाद एनालिसा की 21 ईयर्स की एज में डेथ हो जाती है। वो करीब 2 साल इन नेगेटिव एनर्जीज को झेलती रही और एक दिन उसने उस शरीर को छोड़ दिया। कैसे खुशहाल लड़की जो अपनी लाइफ बहुत खुशी से जी रही थी, ना जाने कैसे उसकी खुशी को किसी की नज़र लग जाती है। और यहाँ पर लापरवाही थी फैमिली की, क्योंकि अगर फैमिली ने उसको पहले ही प्रीस के पास दिखाया होता तो शायद एनालिसा हमारे बीच आज जिंदा होती। वो लड़की इतने ज़्यादा पेन में रही है हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। वीडियो विक्रम भाई की डिमांड पे, तो अगर आप लोगों को भी कोई स्टोरी प्रेजेंट करवानी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच विक्रम भाई आपके कमेंट के लिए। अगर आपको एक केस स्टडी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।